दोस्तों आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए झज्जर से विधायक और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार गीता बुक्कल जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैडम आपसे जानना चाहूँगा, आप देर रात तक आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, ये लोगों का प्यार है या घबराहट है? ये घबराहट किसको? बीजेपी को बहुत ज़्यादा घबराहट है, कांग्रेस कॉन्फिडेंट है, हम लोग कॉन्फिडेंट है। जनता ने मन बनाया पूरे हरियाणा में, विशेष तौर से झज्जर में, कि भारी मतों से कार्यक्रम आपको लग रहा है कोई घबरा रहा है, त्यौहार की तरह इस चुनाव को ले रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के जाने के दिन आ गए और कांग्रेस के आने के दिन आ गए। जो बदहाली इस समय कांग्रेस ने जो काम करवाए थे और जो बदहाली बीजेपी के इस राज में हुई है, लोग त्रस्त हैं, बेरोजगार युवा परेशान है, नौकरी उसको मिल नहीं रही है, रोजगार के साधन नहीं है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं हैं, आवारा पशु यहाँ पर घूम रहे हैं, पीने को स्वच्छ पानी नहीं है। बीजेपी की केंद्र में, राज्य में, नगर परिषद, जिला परिषद, सब जगह ये लोग हैं। विपक्ष में हम आवाज़ उठाते रहे, इन्होंने हमारी कभी भी सुनवाई करने का काम नहीं किया। तो मैं समझती हूँ लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति डालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ओम प्रकाश धनखड़ ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि झज्जर में काम इसलिए नहीं हो रहे, वहाँ पर विपक्ष का विधायक है, अगर हमारा विधायक होता तो काम होते यहाँ पर। वही तो बात है, बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास का झूठा नारा दिया। हम लोग विपक्ष के विधायक हैं तो क्या हमारा अधिकार नहीं है? उन्होंने हमें कुछ ग्रांट दी थी, हमने शहर के सभी धर्मशाला चौपालों में देने का काम किया, उन्होंने हमारे काम नहीं होने दिए। ओम प्रकाश धनखड़ जी ने तो सारे काम रखवाए। ओम प्रकाश धनखड़ जी के संरक्षण में ही नगर परिषद और जिला परिषद में भ्रष्टाचार का अड्डा बनाए, तो ओम प्रकाश धनखड़ जी के संरक्षण में ही बनाए। तो अब हम देखते हैं वो कैसे चुनाव जीतते हैं। कांग्रेस चुनाव जीतेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, झज्जर की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेंगे। हम उन विधानसभा क्षेत्रों में भी काम करेंगे जहां पर हो सकता है एक आधा कोई विपक्ष का विधायक चुनकर आ जाए। आप लोगों ने 7 गारंटी जारी की हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी उस वक्त आपने लागू क्यों नहीं की ये 7 गारंटी? 10 साल तक केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, हमारी सरकार आएगी तो 101% 7 वायदे जो हमने 7 गारंटी दी, हम एक एक वायदे को पक्का से करने का काम करेंगे। उनको शायद अगर पढ़ना आता हो तो देख लें, 100-100 गज के प्लॉट हमने दी थी, हम बुजुर्गों को पेंशन दे रहे थे, हम मान सम्मान, हमने महिलाओं को आरक्षण देने की जो बात कही थी, हम क्रीमी लेयर पर काम करेंगे, हम OPS देने का काम करेंगे। जो हमारे वायदे हैं वो हमारी गारंटी, जो बीजेपी का है वो जुमला पत्र है। उन्होंने 10 साल तक अपने घोषणा पत्र खोलकर नहीं देखा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उन्होंने कहा था बनाएंगे अनिल विज जी की अध्यक्षता में, उन्होंने कोई सेट नहीं किया। जेजेपी के साथ मिलकर केवल और केवल घोटाले घपले इन्होंने किए, युवा बेरोजगार हमारा धक्के खा रहा है, सेना की भर्ती तक जो है वो ठेके पर देने का काम किया। तो उम्मीद करते हैं कि लोगों ने पूरी तरह से बीजेपी को साफ करने का मन बनाया है। नजर में क्या लग रहा है आपको कि आप एक तरफा हैं या कोई मार्जिन है आप? देखिए, चुनाव चुनाव होता है, इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। हम लोग जिस तरह से जा रहे हैं पूरे हलके में, बहुत अच्छा एक रिस्पांस मिल रहा है, सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि सभी लोग दुखी हैं जो हालात यहाँ के बना रखे हैं बीजेपी की सरकार ने। इन्होंने हमेशा धर्म जाति बिरादरी का जहर घोलने की कोशिश की है, हम उस चीज़ को ख़त्म करने का काम करेंगे। 36 बिरादरी का भाईचारा बनाकर शांतिपूर्ण ढंग से ये चुनाव हो, ऐसी मैं कामना भी करती हूँ और झज्जर के मतदाताओं से यही अपील करती हूँ, शांतिपूर्ण ढंग से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट, हाथ के निशान का बटन दबाकर कांग्रेस की सरकार बनाएं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाएं, आने वाले समय में भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ मिलकर, सांसद भाई के साथ मिलकर झज्जर का विकास करवाने का काम करेंगे। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। तो सुना आपने गीता बुक्कल जी का साफ तौर से कहना है कि आने वाली तारीख को जो है कमल हाथ का बटन दबाए और कांग्रेस की सरकार बनाए, अगर कांग्रेस सरकार बनती है तभी जो है पूरे प्रदेश का विकास होगा।